नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडियो कार्बन 14 का हड़प्पा सभ्यता में क्या योगदान है और आखिर रेडियो कार्बन 14 विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर देखा जाए रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। कार्बन के दो स्थिर अरेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 13 होते हैं। इसके अलावा एक अस्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिक के अंश पृथ्वी पर मिलते हैं, अर्थात कार्बन 14 का एक निर्धारित मात्रा 5730 वर्षों के बाद आधी मात्रा का हो जाता है। ऐसा रेडियोधर्मिता क्षय के कारण होता है। इस कारण से कार्बन 14 पृथ्वी से बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुका होता है। यदि सूर्य की कार्मिक किरणों के पृथ्वी के वातावरण की नाइट्रोजन पर प्रभाव से और उत्पादन न हुआ होता तो ब्राह्मणी किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉन नाइट्रोजन अणुओं से प्रतिक्रियाएं करने लगता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में रेडियो कार्बन 14 का उपयोग कैसे किया गया था। अगर हम बात करें रेडियो कार्बन 14 हड़प्पा सभ्यता के काल विश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। रेडियो कार्बन 14 के विश्लेषण के आधार पर डीवी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह मत सर्वाधिक मान प्रतीत होता है। अगर देखा जाए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि 1949 ईस्वी में विलार्ड फ्रैंक लीबी ने विकसित की थी। इसके लिए लीबी को 1960 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर देखा जाए जीवधारियों में कार्बन 14 की मात्रा 5730 वर्षों में घटकर आधी रह जाती है, लेकिन इससे शीशे में आयु ज्ञात नहीं होती है। भारत में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में हुआ था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के योगदान में रेडियो कार्बन 14 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। धन्यवाद।